आप कराची में जो आपको 85% मैंडेट था वो अब आपका 25% रह गया है। इस मैंडेट के जाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेयर की है या चेयरमैनों की है, डीएमसी की, जिनकी कारकर्दगी की वजह से ये सूरत हाल हो गई है एमक्यूएम की। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज भी प्रोटेस्ट कर रही है इलेक्शन कमीशन के सामने। आपने जो जिम्मेदारी की बात की, मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सारी इलेक्शन कमीशन पे है। इस किस्म के इलेक्शन जिंदगी में किसी पाकिस्तानी ने नहीं देखे होंगे। जहाँ तक इलेक्शन में नाकामी का ताल्लुक है, उस नाकामी में कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं आती है। जो सुनामी हमने झेला है और उसके बाद ये सीटें निकली हैं, ये बहुत बड़ा कारनामा है। और आज वो 25 सीटें पुरानी और 6 सीटें ये बराबर लग रही हैं। आज भी गवर्नमेंट जो हैं, अगर गवर्नमेंट्स फॉर्म होने जाएंगी तो एमक्यूएम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का उसमें शेयर होगा तो आगे बढ़ेगा मामला, अदरवाइज नहीं बढ़ेगा। साबिक नाजिम की कारकर्दगी पर 2013 का इलेक्शन नहीं जीता था वो, हुकूमत क्या 9-0 का ऑपरेटर बोट नहीं चला सकते थे। हंसी आती है, वो याद आती है सारी चीजें कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और डायलॉग्स याद आते हैं और हम स्वीप कर देंगे। क्या जवाब दूं मैं, पिद्दी आदमी, पिद्दी का मेरे समझ में आता नहीं। वो कस्टम मेड लीडर्स टेस्ट ट्यूब बेबीज, ये डिलीवर नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में नहीं होता। ये ला के गुड्डा गुड्डी बिठा दो, बेकार हैं, क्या करेंगे। इन्होंने किया क्या है, पास्ट में भी जो परफॉर्मेंस है वो एमक्यूएम की परफॉर्मेंस थी। ये मैंने बताया ना आपको, 9-0 का बोर्ड भी चला सके थे तो ये हुकूमत क्या चलाएंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने महमूदाबाद मंजूर कॉलोनी के नालों की सफाई का मुआयना करने के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए किया। जहाँ तक एमक्यूएम के परफॉर्मेंस का ताल्लुक है, जिसके एविज वोट पड़ता है, कराची के लोग बाशऊर हैं, जानते हैं किसको वोट डालना है। कराची का ब्रांड सिंबल जो है वो पतंग है। अगर इलेक्शन कमीशन प्रॉपर इलेक्शन कराता तो रिजल्ट्स ये नहीं होते। तो जिम्मेदारी जहाँ तक सियासी पार्टियों का मामला है, हमने भरपूर परफॉर्म किया है, केएमसी ने भरपूर परफॉर्म किया है। हमें जितने वसाइल मिले थे, इख्तियारात मिले थे, उसमें रहते हुए हमने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में जो जो हमारी इख्तियारात में रहते हुए जो जो कर सकते थे हमने काम किया है और मजीद कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। ये नाले जो हैं ये 50 साल में ऐसे साफ नहीं हुए थे, इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। ओनरशिप है, केएमसी ओन करती है, इलेक्टेड लोग ओन करते हैं। हमारे चेयरमैन मेरे समेत हर वक्त आप देखोगे कि हम जब कोई चीज़ टेकअप करते हैं तो उसको मॉनिटर भी करते हैं। तकरीबन हर रोज़ मैं हर नाले का विजिट करता हूँ, तब जाके ये चीज़ें रिजल्ट्स दे रही हैं।